नमस्कार, मैं हूँ सौरभ वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 84.9। स्वागत है आपका यूट्यूब हिंदुस्तान में। पूरे देश में बाढ़ से हालात बदतर हैं और इस तरह आइए आज आपको दिखाते हैं क्या हाल है। जहाँ जहाँ पानी भरा है जिन जिन इलाकों में, उन इलाकों में क्या हाल है, लोग वहाँ कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे मजबूर हैं पलायन करने पर वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग। इस वक्त की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी है। सिद्धार्थनगर तक डूबते गांव, तैरती नावें, खेत खलिहानों में बाढ़ की घुसपैठ की तस्वीरें अभी सामने आ चुकी हैं। इस वक्त यूपी में सबसे बुरे हालात लखीमपुर खीरी जिले के हैं। यहां जिधर देखो पानी ही पानी है, गांव डूबे हैं, गलियां लबालब हैं, किसानों की फसलें डूब चुकी हैं, सड़कें बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो चुकी हैं। बाढ़ की त्रासदी से उत्तर प्रदेश हर साल ऐसे ही जूझता है। आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 45 बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील हैं। इसमें से 24 अति संवेदनशील, 16 संवेदनशील और 5 सामान्य हैं। तराई का पूरा इलाका और खासकर पूर्वांचल बाढ़ के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। हर साल बारिश के मौसम में नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली गंडक, रोहिन, राप्ती, शारदा, सरयू, घाघरा आदि नदियां सामान्य बारिश होने पर भी खतरे के निशान को पार करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक यूपी में बाढ़ से हर साल 432 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यूपी में मुख्य रूप से गंगा और घाघरा नदी की वजह से बाढ़ आती है। गंगा नदी में पानी बढ़ने की वजह बारिश होती है। गंगा के पानी की वजह से बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, उन्नाव और कानपुर प्रभावित होते हैं, जबकि तराई इलाकों जैसे गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में बाढ़ की असली वजह घाघरा नदी होती है। घाघरा नदी हिमालय से निकलती है, जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से होते हुए भारत में दाखिल होती है। घाघरा नदी के भारत में घुसने से पहले उस पर दो बांध हैं जो नेपाल में हैं। ये बांध हैं शारदा बैराज और गिरिजा बैराज। नेपाल में घाघरा का पानी यही दोनों बांध नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब नेपाल में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो इन दोनों बैराजों के गेट खोल दिए जाते हैं। घाघरा में बाढ़ की मुख्य वजह यही दोनों बैराज और उससे आने वाला पानी है। पहाड़ों पर जब ज्यादा बारिश होती है तो घाघरा में पानी भर जाता है। इस वक्त भी उत्तराखंड और नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात बन गए। शारदा और घाघरा नदी के निचले हिस्सों में आने वाले तमाम गांव इसी तरह